9 साल पहले ऐसा लग रहा था कि सज्जन सिंह को टक्कर देने वाला कभी कोई पैदा नहीं हुआ ना कभी होगा, लेकिन सीजन टू शुरू होते ही ऐसा लग रहा है कि सज्जन साहब की बैंड बजाने के लिए भी कोई आ गया है। मेरे साथ हैं चेतन। चेतन, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस टू इंडिया टीवी। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। आई एम वेरी गुड। मैंने आज का एपिसोड देखा। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कल का जो एपिसोड जहाँ पे मेरी एंट्री होने वाली है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी। कमिंग अप में तो देख लिया है कि कुछ बहुत भयंकर होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है सज्जन जी की फैमिली के साथ। और अगर वो किरदार चेतन निभाएं तो ऑब्वियसली बहुत डेप्थ और इंटेंसिटी और ना जाने क्या क्या वायलेंस वगैरह सब आएगा। क्या करने वाले हैं ये किरदार, क्या करने वाला है सज्जन सिंह के परिवार के साथ? दिस आज आपके एपिसोड में आपने जो देखा, यू नो, जो बच्चा जो कुछ हो जाता है, यू नो, दिस गाय ही इज आउट फॉर ब्लड। इसके बच्चे के साथ कुछ हुआ है एंड ये जानता नहीं कि किसने क्या किया है, तो ही इज़ गोइंग टू गो आउट आफ्टर द एंटायर फैमिली। इसके जाना है कि क्या हुआ है मेरे छोरे के साथ, और जिसने भी किया है उन्हें बैड न्यूज़ फॉर देम। अच्छा एक बात बताइए, सज्जन सिंह गन, बंदूक, तमंचे, गोले, बारूद इन सब से डरते नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उनकी बहू प्रतिज्ञा उनको बुरे रास्ते से खींच के सही रास्ते पे लाई है। अब आप अगर इस तरीके से उनके परिवार पर अटैक करेंगे तो फिर वही गन, बंदूक, तमंचे, गोला बारूद पे आ जाएंगे। अब तो जितना मैंने किया है, जो लेवल तक हम लोग पिछले अभी हम लोग भी शॉर्ट अबाउट 5-6 एपिसोड्स, और जिस लेवल तक ऑलरेडी स्टोरी पहुंच चुकी है, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही धमाका होने वाला है, बिकॉज कैरेक्टर भी बहुत धमाकेदार है एंड द एंटायर द कास्ट, यू नो, इवन फ्रॉम सज्जन सिंह फैमिली, एवरीबडी, एवरी वन परफॉर्म सो वेल। सो ऐसा लग रहा है कि यू नो आई एम वेटिंग फॉर द सीन्स टू कम के वेन वी कैन हैव द कन्फ्रंटेशन। अब थोड़ा वक्त बाकी है इसमें, लेकिन जब कन्फ्रंटेशन होगा आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दोज सीन्स। एक घर से दूसरे घर में आए हैं चेतन, बालाजी छोड़ने का कितना दुख है फिलहाल ये बताइए, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपने बैक टू बैक बालाजी के साथ शोज किए। ब्यूटीफुल वर्क यू हैव डन विद सेवरल सेवरल शोज। फर्स्ट टाइम यू आर वर्किंग विद डीकेपी विद राजन सर, हाउ इज द एक्सपीरियंस? द फीलिंग वर्किंग विद डीकेपी इज फैंटास्टिक। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। आई फील लाइक यू नो लाइक हाउ आई एम लाइक फैमिली विद बालाजी, दिस इज ऑल्सो लाइक माई अदर फैमिली, बिकॉज इट्स जस्ट कुछ दिन हुए हैं शूटिंग करके, बट ऐसा एहसास हो रहा है कि आई बीन वर्किंग विद देम फॉर गॉड अलोन नोज हाउ मेनी इयर्स। सो इट्स वेरी लविंग, वेरी टाइट यूनिट, एंड दैट्स व्हाट आई रियली लाइक। सब लोग बहुत डाउन टू अर्थ है एंड दे ऑल फोकस ऑन वन गोल, के हमें शो को और बढ़ाना है। एंड आज 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 आपने देखा कि पीपल फ्रॉम अदर शोज के, यू नो, अनुपमा एंड या, सो वैसा होता नहीं है नॉर्मली, यू नो, मैंने बहुत काम किया लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीपल डोंट कम एंड सपोर्ट अदर शोज एंड ऑल दैट, बट आई जस्ट गो टू शो के द एंटायर डीकेपी इज लाइक अ बिग फैमिली, यू नो, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। बट मैं यही कहना चाह रहा था कि डीकेपी ने हमेशा पारिवारिक शोज बनाए जहाँ पे विलन भी नहीं होता। मैं भी राजन सर से यही कह रहा था कि आप हमेशा ऐसे शोज बनाते हैं जिसमें विलन भी नहीं होता, मैक्सिमम कोई ग्रे कैरेक्टर होता है, कुछ बुरा काम करा वो भी सुधर के ही जाता है घर से, कभी कोई विलन भी सुधर के जाता है यहाँ से। पहली बार ऐसा हो रहा है डीकेपी में जो गोलियां, तमंचे, गोला बारूद सब चल रहा है। वो क्या है कि एक्चुअली मैं विलन नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है इसलिए मैं गुस्से में आ गया, और आगे जो भी होगा बिकॉज ऑफ सज्जन सिंह एंड हिज फैमिली, यू नो, तो आई एम एक्चुअली अ गुड गाय। बिल आप सज्जन सिंह पे फाड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सज्जन सिंह को जितना हमने देखा है इतने सालों तक और कई सालों के पहले तक, सज्जन सिंह बहुत बहुत टफ नट हैं, उनको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है आपका। सर इसलिए तो बोल रहा हूँ कि सज्जन सिंह के सामने ऐसा कोई कैरेक्टर आना चाहिए, और ये लोग लेके आए हैं एक बलवंत त्यागी जो इतना एक हरियाणवी बाहुबली है जो इतना हार्डकोर है कि आगे वाले सीन में आप देखते रहेंगे कि वो ये लेवल तक आदमी जा सकता है। सो एंड ही इज वेरी काम, कलेक्टेड, यू नो, अगर उसे रिवेंज भी लेना है तो गुस्सा नहीं होगा, शांति से, सब कुछ शांति से होगा। थैंक यू सो मच चेतन। तो ये थे प्रतिज्ञा सीजन 2 के गुड बॉय कम बैड बॉय चेतन हंसराज, कैमरामैन संतोष देवते के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।